अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 न्यूक्लियर फिजिक्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बोहर्स मिलर थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजन, द टू साइंटिस्ट बोहर्स एंड मिलर, विच एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन अकॉर्डिंग टू एंड यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लेआउट ऑफ आवर टॉपिक इज फर्स्टली वी इंट्रोडक्शन ऑफ बोहर मिलर थ्योरी, देन बेसिस सिग्निफिकेंट स्टेजेस उसकी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, डिफॉर्मेशन पैरामीटर्स कौन से हैं, एनर्जी ऑफ शेप्स ऑफ न्यूक्लियस उसको डिस्कस करेंगे, एनर्जी वर्सेस डिफॉर्मेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास, और एक्टिवेशन एनर्जी। इंट्रोडक्शन में देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर एंड मिलर द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक अ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये जो एक्चुअली में ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ने लगे हैं बोहर मिलर थ्योरी, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से रिलेट करके इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी के अकॉर्डिंग वो इस थ्योरी को, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं दो साइंटिस्ट बोहर एंड मिलर। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस हमारे पास होगा वो बिहेव्स लाइक अ लिक्विड ड्रॉप, जैसे हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप होता है उसकी तरह से जो है वो बिहेव करता है। हुज शेप ऑफ ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस बिटवीन द सरफेस टेंशन फोर्स एंड कोलम रिपल्शन फोर्स। दिस प्रोसेस इज रेडिएशन कैप्चर बट नॉट फिशन। अब देखें यहाँ पे इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि अब देखें लिक्विड ड्रॉप, लेट्स सपोज हमारे पास जो ड्रॉप होता है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, एक स्फीयर की तरह से सर्कल की फॉर्म में स्फीयर टाइप होता है, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा वो भी स्फीयर की तरह होगा। अब उसकी जो शेप है वो डिपेंड्स करेगी उसके सरफेस टेंशन फोर्स और जो उसमें कोलम फोर्स होती है रिपल्शन की फोर्स प्रोटॉन्स के दरम्यान में, उन दोनों पे वो डिपेंड करेगी उसकी शेप। यानी कि अगर वो इसमें कूलम फोर्स या फोर्स जो है वो इंक्रीज करती है तो देन इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अगर ये लिक्विड ड्रॉप है आपके पास, इसकी शेप पहले स्फेरिकल थी देन, तो अब इसकी शेप जब इस पे फोर्सेस अप्लाई होंगी, ठीक है, इसमें रिपल्शन फोर्स होगी, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी, न्यूक्लियर्स के अंदर होती हैं। इसी तरह से अब जब अगर स्फीयर जो है वो लिक्विड ड्रॉप है उसकी शेप चेंज होकर हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, वो एलिप्स की टाइप में हो जाती है, ठीक है, एलिप्सॉइड उसको बोलते हैं, तो इसकी शेप डिफॉर्मेशन की वजह से इस तरह से चेंज हो जाती है। इसी तरह से न्यूक्लियस को कह रहे हैं वो एज अ लिक्विड ड्रॉप हम लेते हैं इसमें, उनके अकॉर्डिंग बोहर्स एंड मिलर के, उसकी भी शेप क्या होती है वो कहते हैं बाद में चेंज हो जाती है, एलिप्स टाइप या ओवल शेप या इस तरह से आप कह सकते हैं वो जो है शेप बन जाती है। अब इस तरह से वो शेप जो है वो चेंज किस वजह से होती है, सरफेस टेंशन फोर्स एंड जो कूलम फोर्स होती है रिपल्शन की फोर्स उसकी वजह से होती है। अब ये प्रोसेस जो कहते हैं वो कम्प्लीटली, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फिशन प्रोसेस, इसको हम कहते हैं रेडिएशन कैप्चर प्रोसेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस फॉर बोहर मिलर थ्योरीज, इसमें दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिशन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज़ करते हुए। लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, वहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाइएगा। उसके बाद उसने यहाँ पे कहा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसको एज अ लिक्विड हम लोग कंसिडर करते हैं, उससे रिजेमनेंस कर रहे हैं, और ईच न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इंट्रैक्ट्स विद इट्स नेबरिंग एटम्स इक्वली, कि जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमें बताया न्यूक्लॉन्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं विद नेबरिंग एटम से इक्वली। द सिस्टम पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस व्हेन इट अंडरगोस इन अ फिशन। जब फिशन का एक प्रोसेस होता है तो उसमें नंबर ऑफ सीरीज जो है वो स्टेजेस होती हैं कि वन बाई वन जो स्टेप्स होते हैं देन आपके पास जो है वो फिशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट होता है। अब वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको देख लेंगे। सिग्निफिकेंट स्टेजेस यानी कि इसकी जो बेसिक न्यूमिनेट करते हैं हम स्टेजेस को, स्टेप्स को, उनको हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, देन उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप आएगा। इस तरह से 4 to 5 स्टेप्स इसके होते हैं हमारे पास। फर्स्टली एक दफ़ा ओवरव्यू इसका मैं आपको दे दूं कि इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है उस पर आप कोई भी इंटरनल सोर्स की उसमें बम्बारमेंट करवाते हैं, या जो आपके पास स्फेरिकल शेप में न्यूक्लियस होता है वो फर्स्ट स्टेज में आपके पास है। उसके बाद जब उसकी उसमें सेपरेट होता है वो इनटू टू पार्टिकल्स में सेपरेट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि जो न्यूक्लियस है उसको आप स्फीयर ले रहे हैं, जब उसके अंदर रिपल्शन की फोर्सेस लगती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं तो देन उस न्यूक्लियस की शेप में जो है वो चेंज आ जाती है ड्यू टू दिस फोर्सेस।
दिस फोर्सेस। अब उसकी शेप्स, पहले आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसकी शेप स्फीयर थी, उसके बाद उसकी शेप जो है, नेक्स्ट इसकी डायग्राम भी है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ, पहले अगर ये शेप है, उसमें फोर्सेस ने जब एक्ट किया, न्यूक्लियर फोर्सेस और रिपल्शन की फोर्सेस उसमें होंगे, तो वो अब न्यूक्लियर फोर्सेस का ये फंक्शन होता है कि वो इस चाहती हैं कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस है वो स्फीयर शेप में है तो स्फीयर में ही रहे, ठीक है। लेकिन ड्यू टू रिपल्शन फोर्सेस उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि अगर इस शेप में है तो बाद में वो लिप्स की शेप्स में आ गया, उसकी चेंज आ गई, अब वो लिप्स की शेप्स के बाद फिर वो एक डम्बेल शेप्स आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा दो दो एटम्स बन जाते हैं, इस तरह से थोड़ी सी डम्बेल शेप बन जाती है। उसके बाद फिर वो आफ्टर रिएक्शन जो है वो आपके पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियस आया उसके बाद फिर वो दो में सेपरेट हो जाता है, दो पार्टिकल्स बन जाते हैं, ये आपके पास फिशन प्रोसेस होता है। अब ये वाली इसकी स्टेजेस होती हैं, इसको आप कंसीडर कर लें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से फोर से फाइव स्टेजेस में वो इसको कंसीडर करते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि कौन सी किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेटिकली। द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल ड्रॉप इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो एक स्फेरिकल ड्रॉप की तरह है। द न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिफॉर्मिंग ड्यू टू सम एनर्जी डेपोजिशन, कुछ एनर्जी की वजह से वो डिफॉर्मिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो एनर्जी जो है वो आपको मैंने बताया कि जो उसमें फोर्सेज होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं और रिपल्शन की फोर्सेज, प्रोटॉन प्रोटॉन्स के दरमियान में, उन फोर्सेस की वजह से उसकी थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज होगी। इट मस्ट गो थ्रू इंटरमीडिएट डिफॉर्मेशन प्रोसेस बिफोर ब्रेकिंग इनटू टू फ्रेगमेंट्स, यानी कि वो फर्स्टली कहते हैं कि स्टार्ट में अगर आपके पास एक स्फीयर है वो डायरेक्टली दो पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, उसके दरमियान में भी कुछ स्टेजेस आती हैं जिसके बाद वो जाके सेपरेट होता है, टू फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब वो जो इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं उनको भी हम देख लेंगे। द स्फेरिकल न्यूक्लियस गेट्स इन लॉन्ग इंटू एन एलिप्सॉइड, ठीक है, यानी कि पहले आपके पास स्फीयर शेप में था फिर बाद में एलिप्सॉइड में हो गया। द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज न्यूक्लियस इज इनकम्प्रेसिबल बट सर्फेस एरिया इंक्रीजेज, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन उसका सर्फेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं वहाँ पर उसका वॉल्यूम जो है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये इसका सेकेंड स्टेप। थर्ड में देखें, द ड्रॉप एक्वायर्स अ डंबल शेप्स, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया डंबल शेप्स उसकी दो की फॉर्म में शो हो रहा है लेकिन सेपरेट नहीं है, वो इकट्ठे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में वो डंबल शेप्स जो है वो अडॉप्ट करता है। द सरफेस एनर्जी विल जनरली एक्सीड द वॉल्यूम एनर्जी, अब जो सरफेस एनर्जी उसकी होगी वो थोड़ा सा वॉल्यूम एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। द डंबल शेप्स टर्न इनटू नेक आफ्टर फर्दर डिफॉर्मेशन, उसके बाद जो आफ्टर फर्दर डिफॉर्मेशन होती है डंबल शेप्स वो नेक की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि ये आप कह रहे हैं फोर्थ स्टेप्स, एक और पॉइंट उन्होंने इंक्रीज कर दिया कि ये जो आपके पास डंबल शेप्स आई थी इस तरह की, अब वो नेक शेप में आ गई, नेक शेप आप कह सकते हैं इस तरह की कि थोड़ा सा उनका आपस में इंट्रैक्शन रह गया सेंटर में एक नेक की तरह का, बाकी जो है वो दो दो सेपरेट बन गए, ठीक है। फाइनली, हाँ जी उसी तरह से, फाइनली डम्बेल आर सेपरेटेड इंटू टू स्फेरिकल फ्रेगमेंट्स, उसके बाद ये जो डम्बेल्स बन जाते हैं उसके बाद वो स्फेरिकल फ्रेगमेंट्स में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई में जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसमें ब्रेक हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फाइव स्टेप्स थे इसके के जिसमें पूरा एक फिशन प्रोसेस हो रहा है, और बहुत विलर्स थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करना चाह रही है उसके अकॉर्डिंग, एज कम उसको रिजेम्बलेंस दे रही है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के साथ, उसको यूज़ करते हुए उसको एक्सप्लेन कर रही है। अब यहाँ पे ये देखें, इसको एक इक्वेशन कह लें आप, एक डायग्राम की फॉर्म में किस तरह से ये आपके पास हैवी न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन आया जिसके आपने बम्बारमेंट करवाई, ये आपके पास हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम 235 है, तो इसने क्या किया, इसकी शेप यहाँ पे स्फेरिकल है, उसने इसको एलिप्स टाइप शेप में जो है वो चेंज कर दिया जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बन गया यूरेनियम 236। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ कि उसने डंबल शेप जो है वो अडॉप्ट कर ली, इसके बाद इसमें फोर्सेस की वजह से ये डंबल शेप्स में आ जाएगा, और वो डंबल शेप्स के बाद फिर उसे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दो आपके पास नेक प्रोसेस भी इधर, ठीक है, लेकिन जनरली वो स्टेप जो है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, इसलिए उसको आप ना भी लिखें तो कोई नहीं, फोर्थ स्टेप में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डंबल शेप के बाद वो टू फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका हैवी न्यूक्लियस है, तो उसके साथ आपको थ्री न्यूट्रॉन्स मिलेंगे एंड सम एनर्जी मिलेगी इस रिएक्शन में। तो ये वही रिएक्शन है, इसको आप इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लें, डायग्राम की फॉर्म में बना लें, ठीक है,
या वैसे थ्रेटिकली लिख के एक्सप्लेन कर दें, तो तीनों तरह से आप इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉर्मेशन पैरामीटर्स, के जो डिफॉर्मेशन जब होती है तो कौन से पैरामीटर्स जो हैं वहाँ पे आपके पास होंगे। बोर एंड जॉन व्हीलर कंसीडर द न्यूक्लियस एज टू लूप्स, कंसीडर करता है न्यूक्लियस को टू लूप्स की फॉर्म में। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मास ऑफ दिस लूप्स इज टेकन एज डिफॉर्मेशन पैरामीटर, कि जो उन लूप्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है उसको वो एज अ डिफॉर्मेशन पैरामीटर कहता है। यानी कि वो डिस्टेंस किस तरह से आप कह सकते हैं, ये देखें आपके पास फर्स्टली ये न्यूक्लियस था ना, उसके बाद वो रिब्स शेप में आ गया, ठीक है, उसके बाद जब डंबल शेप में आया तो इसकी नेक्स्ट डायग्राम है उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो डिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर कर रहा है एज डिफॉर्मेशन पैरामीटर। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि जो आपके पास एक न्यूक्लियस होता है, मैंने बताया कि उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पर चार्ज होता है। अब जो रिपल्शन की फोर्सेस होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस करती हैं उसको उसी शेप में रखें, ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन प्रोटॉन्स के दरमियान में रिपल्शन होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। अब वो फोर्सेस जो है किन में कम होगी या किस में ज़्यादा होंगी, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी है कि अगर आपके पास कोई एटॉमिक मास ज़्यादा वाला अगर न्यूक्लियस है या एटॉमिक मास लेस वाला न्यूक्लियस है तो आपके पास किस में जो है वो रिपल्शन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होगी या कम होंगी, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अब देखें। जिसमें आपके एटॉमिक मास जो है वो लेस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ कम है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास प्रोटॉन्स कम है उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, कूलम फोर्स कम होगी, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन जिस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, आपके जो रिपल्शन की फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज करती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, छोटी सी अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर लेट्स सपोज आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक न्यूक्लियस है आपके पास एज अ टारगेट न्यूक्लियस, आप उसको कंसिडर कर रहे हो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपको पता है 24 होता है और उस पे चार्ज जो है वो 12 होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 12 हैं। अब इसमें प्रोटॉन्स क्या हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं। अब वो 12 प्रोटॉन्स हैं उनके दरमियान में आपस में रिपल्शन की फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स भी यहाँ पे होगी। एज कम्पेयर टू यूरेनियम, अगर हम लें 235 की हमने एग्जाम्पल अभी किया तो उसी को देख लेते हैं। अगर 235 है और उस पे प्रोटॉन्स आई थिंक 292 होते हैं, ठीक है, चार्ज नंबर। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है 92 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 144 आई थिंक, नहीं बनता है 144 या 146, इसी के अराउंड न्यूट्रॉन्स हैं। अब एज कम्पेयर टू 12 प्रोटॉन्स 92 प्रोटॉन्स, अब जिसमें 92 प्रोटॉन्स होंगे उसमें आपके पास जो कूलम्स फोर्स होंगी वो ग्रेटर होंगी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग इसमें कम होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो आप ये कह दें कि अगर प्रोटॉन की बढ़ेगी न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो जाएंगी या न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा, इस तरह से नहीं। एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास इंक्रीज करता जाएगा उसमें जो आपकी रिपल्शन की फोर्सेस होंगी वो इंक्रीज करती जाएंगी, तो न्यूक्लियर फोर्सेस वहाँ पे कम हो जाएंगी एज कम्पेयर टू कूलम फोर्सेज। अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जा रही है, यानी कि हैवी न्यूक्लियस आ रहा है आपके पास एज कम्पेयर टू लाइटर न्यूक्लियस। तो ये एक थोड़ा सा ये भी इसमें कंसेप्ट है बोहर विलर्स थ्योरी में, उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसको एज कम्पेयर टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल के साथ कंपेयर किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द डिफॉर्मेशन पैरामीटर आर इज इक्वल टू जीरो व्हेन देयर इज वन सिंगल स्फीयर, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है तो वहाँ पे हम आर क्या लेंगे, डिस्टेंस तो जीरो होगा, ठीक है, जब हमारे पास सिंगल एक स्फीयर है। इट मीन्स टू फ्रेगमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम, अब अगर जीरो है इट्स मीन के जो हमारे पास टू फ्रेगमेंट्स आएंगे उनका भी उतना ही वॉल्यूम होगा जितना हमारे पास सिंगल स्फीयर का था, लेकिन द डिफॉर्मेशन पैरामीटर आर इंक्रीजेस फॉर इंटरमीडिएट स्टेज, लेकिन ये जो आपके पास आर आ रहा है वो इंटरमीडिएट की जो थ्री स्टेजेस हमने पढ़ी है उसमें इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखें, ये इसकी एक डायग्राम है, वही चीज़ जो मैं आपको स्टार्ट में बता रही थी उसी को देखें। सबसे पहले आपके पास क्या है,
ये एक स्फीयर टाइप जो है वो न्यूक्लियस है, इसको हम स्टेज अगर वन कहें तो यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, ज़ीरो। अब अगर वो थोड़ा सा एलिप्स की शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा उनके जो दरम्यान में प्रोटॉन्स होंगे वो उसको शेप्स को चेंज कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो वहाँ पे आर जो है डिफॉर्मेशन पैरामीटर वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इसको हमने स्टेज टू कहा जो एलिप्साइड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का नाम हमारे पास क्या है, स्फेरिकल। आप इन शेप्स के नाम भी लिख सकते हैं स्टेजेस को जब एक्सप्लेन करें, मतलब स्टेप्स में कि फर्स्ट हमारे पास स्फेरिकल है, सेकंड आपके पास क्या है, एलिप्सॉइड है ये, या एलिप्टिकल भी आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड आपके पास स्टेज आती है वो डंबल शेप है, ठीक है। थर्ड स्टेज इनको हाईलाइट करके आप नेम्स भी दे सकते हैं जब एक पॉइंट्स इनके लिखने एक्सप्लेन करने हैं। इसमें ना स्लैश यहाँ पे लगा डंबल शेप्स है, इसमें आर जो है वो इस तरह से आपके पास दो पैरामीटर्स के दरमियान डिफॉर्मेशन पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीज हो जाएगा जब वो सेपरेट हो रहे हैं, नेक्ट शेप में आ गए हैं, ये आपके पास फोर्थ स्टेप जो है वो नेक्ट शेप में। और लास्ट में आपके पास जो है स्टेज, इसको हम सेपरेशन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टेज फिफ्थ है, पहले आपके पास इसका स्टेज इस शेप में होगा, देन ये शेप अडॉप्ट करेगा, फिर इस तरह से शेप आएगी, फिर नेक्स्ट और लास्ट में वो क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस होगा फिशन रिएक्शंस का। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ शेप्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारे पास किसी एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस की शेप जो है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि वो चेंज होती है, उसमें कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एनर्जी की जो है वो एक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं द वॉल्यूम एनर्जी एंड एसिमेट्री एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग फिशन, के फिशन का जब प्रोसेस होता है तो वॉल्यूम एनर्जी या एसिमेट्री जो एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंट रहती हैं इस प्रोसेस के दरमियान, इक्विवेलेंट आप एनर्जी भी कह सकते हैं। द सरफेस एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड कूलम एनर्जी ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी कि जो आपके पास सरफेस एनर्जी होती है, यानी कि सरफेस की वजह से जो दोनों में चेंजेस आ रही हैं वो इंक्रीज करती है, या फिर आपके पास जो है वो कूलम की जो एनर्जी होती है, कूलम फोर्सेस रिपल्शन की वजह से वो इंक्रीज करती है ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। देयर इज़ अ कम्पिटिशन बिटवीन कूलम एनर्जी एंड सर्फेस एनर्जी, यानी कि उन दोनों एनर्जीज के दरमियान में आप कह सकते हैं कि एक कम्पिटिशन होता है कि जिनकी वजह से वो चेंजेस आ रही है। अब अगर टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो टोटल एनर्जी ई इज सम ऑफ सर्फेस एनर्जी ई एस, यानी कि सर्फेस एनर्जी है ना, तो इसलिए हमने ई के साथ जो है वो बेस में एस लगा दिया कि उस सर्फेस एनर्जी को डिनोट करे, एंड कूलम एनर्जी ई सी, इसी तरह से कूलम एनर्जी के लिए सी जो है वो हमने यूज़ किया है, और ई स्टेज ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगी, सरफेस एनर्जी प्लस कूलम एनर्जी से। द मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला, अगर मैग्नीट्यूड इनका आपने कैलकुलेट करना है तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक बार ड्रॉ मॉडल वाले में सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला जो है वो हमने फाइंड आउट किया था, वहाँ से आप उसको जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारे पास एक डायग्राम है इसकी, जो हमने एनर्जी वर्सेस डिफॉर्मेशन पैरामीटर के दरमियान में बनाई है, यानी कि जो आर आपके पास है डिफॉर्मेशन पैरामीटर जिसको आपने कहा है डिस्टेंस वाला, और साथ में एनर्जी, उन दोनों को रिलेट करते हुए एक जो ग्राफ है वो ड्रा किया गया है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ
ई वर्सेस आर डिपेंडेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो उसकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रही हैं इनर्जीज और डिस्टेंस के दरमियान में जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से एटॉमिक मास पर जो है वो डिपेंड कर रही हैं। द शेप ऑफ द ग्राफ इन द विकनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 240 और सो ऑन। अब ये जो आपके पास शेप आती है ग्राफ की वो या तो आपके पास 240 मास एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियाई की होंगी या फिर उससे ग्रेटर जो होंगे उनकी ये शेप जो है वो इस तरह से ग्राफ है। विकनेट यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड एरिया होगा ना, जो ये ग्राफ बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आप ए 240 या उससे ज़्यादा का जो है वो ग्राफ जो है वो वैल्यू ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टली है यहाँ पे आर की वैल्यू, ये आपके पास जो वर्टिकली है एनर्जी की वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा डीम है, क्लियर नहीं है, यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे ई जो है वो एनर्जी की वैल्यू ली गई है और जो हॉरिजॉन्टली है ये आर की वैल्यू है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो ग्राफ आ रहा है जिसमें यहाँ पे देखे सिंगल आपके पास न्यूक्लियाई है। एक मिनट, अच्छा तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता रही थी स्टार्ट में अगर सिंगल न्यूक्लियाई है आपके पास तो उसके बाद ये सिंगल से जब वो डंबल शेप में आता है और फिर इस तरह से उसके क्या कहते हैं क्रिटिकल स्टेट में कि वो तो सेपरेट हो रहे हैं तो आर की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी जब दोनों स्फीयर का आर वन प्लस आर टू जो है वो अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना हमने कहा। तो उसके बाद जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो ई की वैल्यू जो एनर्जी है वो हमारे पास जीरो हो जाती है। जीरो एनर्जी उसको हम कह देते हैं, ई जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं आप या ई इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू क्योंकि ये वर्टिकली है ना तो यहाँ पर कम होगी, फिर इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा, इस तरह से यहाँ पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये इस तरह से एक एज अ सैम्पल है अंडरस्टैंडिंग के लिए है जस्ट कि इस तरह से आपके पास ये ग्राफ जो है वो आप बना सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आर की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज होगी और एनर्जी की वैल्यू पे किस तरह से इफ़ेक्ट होगा। इसको फर्दर जो है वो हम थ्रेटिकली भी इसको देखते हैं ग्राफ की ये जो एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर देखें एनर्जी वर्सेज डिफॉर्मेशन पैरामीटर जो भी हमने पढ़ा है ग्राफ जो दो पैरामीटर्स के दरमियान में ड्रा किया है। द टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम ई मैक्सिमम एंड आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो टोटल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पे, जब हमारे पास आर की वैल्यू होगी आर वन प्लस आर टू, ठीक है। द टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू जीरो व्हेन टू फ्रेगमेंट्स आर वेल सेपरेटेड, यानी कि जब एनर्जी की वैल्यू टोटल जीरो होगी जब दोनों वो सेपरेट हो जाते हैं, जो लास्ट पॉइंट हमारे पास का जिसमें दोनों न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। द कूलम एनर्जी इज आल्सो जीरो व्हेन फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड, जब फ्रेगमेंट सेपरेटेड हो जाते हैं तब वहाँ पे कूलम एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो अलहदा रहता हो गया ना, उनमें रिपल्शन की फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, दो आपके पास न्यूक्लियाई न्यूक्लियस बन के बन गए हैं, तो इस तरह से वहाँ पे भी कूलम एनर्जी जो है वो जीरो होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स इज लार्ज सो देर इज नो न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। अब क्या होगा, दोनों जो सेपरेट फ्रेगमेंट्स हैं आपके पास उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो सेपरेट हो गए ना, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस या न्यूक्लियर इंट्रैक्शन जो है उनकी आपस में वो कम हो जाएगी। द पोर्शन ऑफ कर्व बिटवीन ई मैक्सिमम एंड ई इज इक्वल टू जीरो इज कूलम पोर्शन, ठीक है। जो लास्ट में हमारे पास ई मैक्सिमम से ई जीरो तक का जो पोर्शन था उसको हम कूलम पोर्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट देखें जो भी हमने ग्राफ में भी डिस्कस किया उसी को फर्दर हम प्रोसीड कर रहे हैं कि एनर्जी वर्सेस डिफॉर्मेशन पैरामीटर के नेक्स्ट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है द रेस्ट मास एनर्जी इज हाई व्हेन टू फ्रेगमेंट्स आर वन सिंगल न्यूक्लियस, इट इज समथिंग 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन एटॉमिक मास इज अराउंड 240, यानी कि वो बता रहे हैं कि उसमें रेस्ट मास एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी जब दो फ्रेगमेंट्स की बजाय वो एक सिंगल न्यूक्लियस आपके पास होगा, यानी कि स्टार्टिंग में होगा तो उसकी तकरीबन 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की वैल्यू होगी और उसका मास जो है वो राउंड अबाउट 240 होगा। दिस एनर्जी इज क्यू वैल्यू ऑफ फिशन रिएक्शन। अब जैसे हमने क्यू वैल्यूज पढ़ी थी ना लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्यू वैल्यू क्या होती है और आपके पास
और वो रिएक्शन में आपके पास आती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि इस तरह से क्यू वैल्यूज आती है, तो ये वही अगर फिशन रिएक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो उसको क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी की होगी। इट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन एनर्जी ई नॉट। द एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस गोज फ्रॉम आर जीरो टू आर वन, आर वन प्लस आर टू। यानी कि आपको फर्स्ट स्टेज में जीरो है, उससे फिर वो फर्दर इंटरमीडिएट स्टेज में एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आर जीरो से आर वन प्लस आर टू तक जाएगा तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। दिस इंक्रीज इन एनर्जी रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ई मैक्सिमम। ठीक है, ये जो एनर्जी की वैल्यू जब इस स्टेज पे पहुंचेगी, जब आपके पास आर वन प्लस आर टू होगा तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू होगी। द टोटल एनर्जी ई स्टार्ट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम ई मैक्सिमम। अब उसके बाद फिर टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ई मैक्सिमम से। फाइनली टोटल एनर्जी बिकम जीरो और उसके बाद वो जीरो हो जाएगी। यानी कि ये जो आपके पास ग्राफ में हमने पढ़ा था कि ये आपके पास ग्राफ था इस शेप में, तो यहाँ पर स्टार्ट में आपके पास सिंगल न्यूक्लियस है। जब आपके पास यहाँ पे टू की फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आ जाती है, तो यहाँ से फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब इस पॉइंट पे जाएगी तो वो फिर जीरो हो जाएगी। अब वो जो एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम ई मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम था ई मैक्सिमम, यहाँ से वो डिक्रीज होना शुरू होगी। फाइनली टोटल एनर्जी बिकम जीरो व्हेन फ्रेगमेंट्स आर वेल सेपरेटेड। और लास्ट में जाके जब यहाँ पे दो आपके पास फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं वन और टू, तो वहाँ पे जाके ई की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, एनर्जी की वैल्यू जब दो आपके पास फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी कि दो न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस से। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं उसको देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी ई मैक्सिमम एंड जीरो डिफॉर्मेशन एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए और बैरियर हाइट। यानी कि जो आपके पास एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आई है ग्राफ में, वहाँ से लेके जो आपके पास एनर्जी जीरो की वैल्यू है उसके दरमियान में जो आपके पास एनर्जी है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और वो उसको हम बैरियर हाइट भी कहते हैं। यानी कि आप जैसे बैरियर होता है ना आपके पास, तो बैरियर हाइट यानी कि वो क्रॉस कर दें तो उसके बाद आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। एक पोटेंशियल बैरियर, जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, एक पार्टिकल यहाँ से अगर वहाँ पर जा रहा है तो उसके बाद उसकी इतनी एनर्जी या इस स्टेट में जाएगा तो उसकी ये वैल्यू होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है। द फिशन हैज़ टू ओवरकम दिस पोटेंशियल बैरियर टू गेट फ्रैगमेंटल स्टेट। यानी कि पहले वो आपके पास सिंगल था, फिर आपके पास वो डम्बेल में आया, और लास्ट में जाके जब आपके पास ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, वो उसकी आपके पास जो है वो फिशन रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स न्यू आ जाते हैं, दो न्यूक्लियाई आ जाते हैं। तो इस तरह से फिशन रिएक्शन जो होंगे वो जो पोटेंशियल बैरियर सेंटर में आएगा उसको ओवरकम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी द बैरियर हाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटॉमिक मास वैल्यूज। ठीक है, कि ये जो आपके पास डिफरेंट होगी, डिफरेंट एटॉमिक मास की जो वैल्यूज होंगी, यानी कि जैसे आपको मैंने बताया ना, जैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो भी डिफरेंट होगी। अगर कम एटॉमिक मास है, कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो वो कम वैल्यू होगी, न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा होंगी। अगर एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज करता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, तो आपके पास रिपल्शन की फोर्स इंक्रीज आती है, तो उसी तरह से उसके न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब दो सेपरेटेड पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस की बिल्कुल जो है वो कम, जीरो के इक्वल आ जाएगी एक किस्म की, और आपके पास रिपल्शन फोर्सेस की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। सेपरेटली न्यूक्लियाई जब जो है वो आपके पास बन जाएंगे। अब यहाँ पे हाइट की बात करिए, वो भी डिफरेंट, यानी कि एटॉमिक मास की वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि डिफरेंट होगी। द बैरियर हाइट विल बी अ सेंसिटिव फंक्शन ऑफ ए एटॉमिक मास समवेयर अराउंड ए इज इक्वल टू 240 रीजन। द बैरियर हाइट इज समथिंग लाइक से 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की ये वैल्यू होगी जो बैरियर हाइट हम उसको कह रहे हैं कि जब उसके पास एटॉमिक मास जो है वो 240 होगा, उसका रीजन होगा, देन उस टाइम इतनी एनर्जी की जो है वो वैल्यू होगी उस बैरियर हाइट की। हैंस दिस अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड फॉर फिशन। अब ये जो बैरियर बन रहा है इस एनर्जी की वजह से जो उसमें, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। अब उसकी हमें कब ज़रूरत पड़ेगी? फिशन प्रोसेस करवाने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिशन इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू द बैरियर हाइट, सो देर आर ऑलमोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फिशन की वैल्यू जो है
स्मॉल होगी ड्यू टू बैरियर हाइट, इस बैरियर हाइट की वजह से। सो देयर आर ऑलमोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे मोस्टली स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो दो बन जाएंगे आपके पास, जो कि फिशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, उसी एनर्जी की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया बोहर एंड बोहर विलर थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर फिशन, जिसको वो कंपेयर कर रहे थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के साथ। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो आप डिस्कस करें, यहाँ पर रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे इस टॉपिक्स को जो है वो सर्च करें आप, और उसकी डिटेल जो है वो फर्दर आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।